नमस्कार, मैं पायल खरवड़े, व्यस्त क्राइम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। शमशेर खान की खास खबर पर एक नज़र। जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी भंडारा ने बच्चों के उत्सव के उपलक्ष्य में बाल कल्याण के क्षेत्र में काम करने वाली सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के बीच भाईचारे की भावना सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से भंडारा शहर के माध्यम से 3 दिवसीय कार्यक्रम चाचा नेहरू बाल महोत्सव 2019 से 20 का आयोजन छत्रपति शिवाजी महाराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 16 से 18 जनवरी 2020 के बीच किया गया था। कार्यक्रम का उद्घाटन श्री बोधवड़ उपजिलाधिकारी, उन्होंने यह कहकर बाल मोल पर कहा कि कड़ी मेहनत बच्चों के लिए सफलता का अंतिम रास्ता है। उत्सव में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत छात्रावास के बच्चों द्वारा और साथ ही अरुणा भोयर इनके हाथ से किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में मायाताई उके, रविन्द्र काटोलकर, जिला परिषद भंडारा में उपस्थित सभी बच्चों के कोमल मस्तिष्क को बालक के अधिकार और सुरक्षात्मक कायदे, स्वास्थ्य व सभ्यता आदि विषयों पर बहुत मूल्य का मार्गदर्शन किया। इस 3 दिवसीय महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खो खो, कबड्डी, शतरंज, कैरम आदि प्रतिस्पर्धाएं ली गई। बच्चों ने सभी कार्यक्रम व खेलों में बहुत उत्साह से सहभाग किया और उसकी सफलता तीसरे दिन 18 जनवरी 2020 को कार्यक्रम के प्रमुख रेखाताई ठाकरे, रवि गीते साहब, श्रीमती सानिका वडनेरकर, डॉक्टर बांडे बुचे इनके हाथों से विजय स्पर्धकों को इनाम देकर सम्मानित किया गया। चाचा नेहरू बाल महोत्सव में जय संताजी पूर्व माध्यमिक शाला भंडारा, नैना मुलिंची सदन मोहाड़ी बेसिक उच्च प्राथमिक शाला भंडारा, भागीरथा भास्कर हाई स्कूल भंडारा, सावित्री बाई फुले पूर्व माध्यमिक शाला भंडारा, पंचशील पूर्व माध्यमिक शाला भंडारा, सावित्री बाई फुले पूर्व माध्यमिक शाला भंडारा, मानवता उच्च प्राथमिक शाला भंडारा, बंसीलाल लाहोटी नूतन महाराष्ट्र शाला भंडारा, शेवंता बाई बाल गृह तुमसर निशा विद्यालय भंडारा, संत शिवराम महाराज पूर्व माध्यमिक शाला भंडारा, मिशन हाई स्कूल भंडारा, इन सभी शालाओं के विद्यार्थियों ने सहभाग लिया। क्राइम इंडिया न्यूज की रोजाना ताजा खबरों के लिए YouTube चैनल, वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूले। गूगल प्ले स्टोर से बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की ऐप को डाउनलोड कर रोजाना ताजा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहे।